हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल गुरुकुल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सीरीज। आरएसी के क्वेश्चंस पहले डिस्कस करेंगे हम। अभी ये जो क्वेश्चन करेंगे वो सबके लिए, सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका गेट हो, ईएससी हो, पीएसयूज हो, कोई जेई का एग्जाम हो या कोई भी और एग्जाम हो, स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं वो इस टाइप से सिलेक्ट किए हैं कि इसमें आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। हर एक टाइप का क्वेश्चन लेने की कोशिश की गई है कि आप ये क्वेश्चंस करने के बाद आप किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो आप इसके बाद कुछ कोई भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन, द सीओपी ऑफ कार्नोट हीट पंप ऑपरेटिंग बिटवीन 6 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो नोट करने की बात है वो ये है कार्नोट। ये कौन सा है? कार्नोट है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते ही हम क्या करते हैं कि सीओपी निकालनी है और डायरेक्टली ये वैल्यू देख लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते तो पूरा है लेकिन दिमाग में क्या रहता है, एक सीओपी दिमाग में आता है कि ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, और हम ये भूल जाते हैं कि यहां पर क्या है, हीट पंप दिया हुआ है, यहां पर रेफ्रिजरेटर नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, सीओपी का फॉर्मूला लिखना है। सीओपी किसके लिए? हीट पंप के लिए। और ये वैल्यू होती है टीएच डिवाइड बाय TH माइनस TL। देखो, और वैल्यू कैसे लेनी है, TH हायर टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इसमें हम 273 ऐड करेंगे इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। तो 273 ऐड करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 310 केल्विन। TL की ऐसे ही वैल्यू कितना है, 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्लस 273 अगर इसमें ऐड करते हो तो ये कितना हो जाएगा, 279 केल्विन। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, क्वेश्चन बहुत इजी है। 310 डिवाइड बाय 310 माइनस 279 यानी कि 310 डिवाइड बाय 31 यानी कि वैल्यू आई 10। आंसर आ गया आपका, इजी है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में गलती क्या होती है, जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो सबसे पहले जो होता है तो हम क्या देख लेते हैं कि यहां पर ये हीट पंप है, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर की सीओपी निकाल देते हैं। तो रेफ्रिजरेटर की सीओपी निकाल दोगे, निकालनी किसकी थी, हीट पंप की, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। हाँ, एक और इसमें देख लेते हैं कि रेफ्रिजरेटर की सीओपी क्या होती है। मैं इसी में फॉर्मूला लिख लेता हूं, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर टीएल डिवाइड बाय टीएच माइनस टीएल। अब देखो, इसमें और इसमें, हीट पंप और इसमें रेफ्रिजरेटर की सीओपी में क्या डिफरेंस है। देखो, यहां पर टर्म सेम है, यहां पर नीचे सेम टर्म है, नीचे जो टर्म है वो सेम है आपकी, यहां पर हीट टीएच माइनस टीएल ही है, लेकिन जो ऊपर वाली टर्म है, ऊपर वाली टर्म देखो, यहां पर टीएल है और यहां पर क्या है, टीएच है। तो कैसे इसको याद कैसे करेंगे कंफ्यूजन ना हो। देखो, हीट पंप में क्या आ रहा है, एच आ रहा है, टीएच, एच मतलब हीट पंप, तो यहां पर एच आएगा, ऊपर क्या आएगा, हाइयर आएगा, और बाकी बचा रेफ्रिजरेटर में क्या आ जाएगी, लोअर आ जाएगी वैल्यू। तो ये तो हुआ याद करने का तरीका। और ये वाले फॉर्मूले किसकी फॉर्म में है, टेम्परेचर की फॉर्म में है। टेम्परेचर की फॉर्म में आप फॉर्मूले तब भी यूज करोगे जब आपको यहां पर लिखा हो कार्नोट, लिखा हो क्या, लिखा हो या तो कार्नोट हीट पंप लिखा हो, या कार्नोट साइकिल पे वर्क कर रहा है, या रिवर्स कार्नोट, या लिखा हो रिवर्सिबल और आइडियल लिखा हो, तभी आप ये फॉर्मूले यूज करोगे। ठीक है, अभी हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा आपको। तो ये फॉर्मूले हम तभी यूज करेंगे जब या तो कार्नोट लिखा हो, या रिवर्सिबल लिखा हो, या आइडियल लिखा हो, नहीं तो हम ये हीट टेम्परेचर वाले फॉर्मूले यूज नहीं करेंगे। फिर हम बेसिक वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा,
डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट, डायरेक्टली सिंपल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां से फिर से हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही लिए गए हैं, कोई गेट से है, कोई ईएससी से है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करके लिए हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो हम नोट कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल हीट पंप लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हीट पंप है, ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर, ये दोनों टेम्परेचर लिमिट दे रखी है, रेट दे रखी है, हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन ये वाली वैल्यू दे रखी है, और सीओपी निकालनी है किसकी, हीट पंप की, सिंपल। तो हमें क्या क्या दे रखा है, हाइयर टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर दे रखा है, लिख लेते हैं यहां पर। टी एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। टी एल की वैल्यू -13 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 260 केल्विन, ठीक है। इसमें ये ऐड कर दिया हमने, 273 ऐड करने के बाद ये केल्विन में वैल्यू डायरेक्टली लिख दी मैंने, ठीक है। ये तो आई टी एच एंड टी एल की वैल्यू, ओके। तो सीओपी हीट पंप के लिए फॉर्मूला क्या था, टी एच डिवाइड बाय टी एच माइनस टी एल, और ये वैल्यू आई आपके पास 300 डिवाइड बाय 300 माइनस 260, ये 40 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 7.5। आंसर भी लिखा हुआ है, सबसे पहला ही आंसर 7.5, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि कहीं भी कार्नोट नहीं लिखा हुआ, या रिवर्सिबल नहीं लिखा हुआ, या आइडियल नहीं लिखा हुआ, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ये वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। तो सीओपी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे फिर हम, ये एक्चुअल में जो सीओपी देता है ये क्या देता है, आइडियल या मैक्सिमम सीओपी देता है, और एक्चुअल सीओपी जो देता है वो देता है क्यू एच डिवाइड बाय क्यू एच माइनस क्यू एल, हायर क्यू एच, चलो हम इसको स्मॉल में लिख लेते हैं क्योंकि रेट दी हुई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे दोनों ही रेट है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, दोनों ही एक ही यूनिट होनी चाहिए, रेट में हो, वाट में हो दोनों की दोनों हीट, या फिर आपकी किलो जूल में हो, या फिर किलो जूल पर केजी में हो, तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। तो क्यू एच की वैल्यू है 1000 वाट एंड क्यू एल की वैल्यू है आपकी 750 वाट, यहां पर दी हुई है। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 1000 डिवाइड बाय 1000 माइनस 750 यानी कि 1000 डिवाइड बाय 250 यानी कि 4। अब दोनों वैल्यू अलग अलग आई है, ये अलग है और ये अलग है, एक्चुअल में सही आंसर जो है वो ये है, क्योंकि एक्चुअल सीओपी निकलेगी हमारी। देखो यहां पर इंडस्ट्रियल हीट पंप लिखा हुआ है, कहीं भी इस क्वेश्चन में कहीं भी कार्नोट हीट पंप नहीं लिखा हुआ है, या रिवर्सिबल हीट पंप नहीं लिखा हुआ है, या आइडियल हीट पंप भी नहीं लिखा हुआ है। तो जो ये वाला ये जो वैल्यू देगा, ये आपका ये फॉर्मूला जो वैल्यू देगा वो एक्चुअल सीओपी की वैल्यू देगा, और ये जो देगा ये मैक्सिमम सीओपी की वैल्यू देगा, ये बताएगा कि मैक्सिमम सीओपी इतनी हो सकती है। अगर ये आइडियल साइकिल होता तो सीओपी कितनी होती, 7.5, और अगर यहां पर रिवर्सिबल या कार्नोट या कुछ भी लिखा होता ना इस टाइप से, तो ये दोनों सीओपी की वैल्यू सेम आती। अगर ये कार्नोट होगा या रिवर्सिबल साइकिल होगा या आइडियल साइकिल होगा, तो दोनों सीओपीज की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। तो दोनों सीओपी की वैल्यू उस कंडीशन में क्या आएगी, सेम आएगी। तो इसलिए आंसर जो आएगा आपका यहां पर 4 आएगा, क्योंकि यहां पर आइडियल नहीं है तो एक्चुअल सीओपी आपको निकालनी है, तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। तो क्वेश्चन इसी टाइप से दिया गया कि आप गलती करो, डायरेक्ट निकालोगे हाइयर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, और हीट भी रेट की फॉर्म में दे दी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या दे रखा है, तो ये ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। तो अगर कार्नोट नहीं दिया हुआ है, आइडियल या रिवर्सिबल नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला, और क्या लिख सकते हैं यहां पर, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट, ये भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल रेफ्रिजरेटर मेंटेन्स ए टेम्परेचर ऑफ -5 डिग्री सेंटीग्रेड, एक टेम्परेचर दिया हुआ है -5 डिग्री सेंटीग्रेड, एम्बिएंट एयर टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो यानी कि ये दोनों टेम्परेचर क्या है, लोअर टेम्परेचर एंड हायर टेम्परेचर, क्योंकि एम्बियंट टेम्परेचर पे ही हीट रिजेक्ट हो रही है. हीट गेन्ड बाय रेफ्रिजरेटर एट ए कंटिन्यूअस रेट, रेट दे दी है, हीट गेन की रेट दे दी है और पावर पूछ रहा है. तो सिंपल क्वेश्चन है. अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कार्नोट लिखा हुआ है, कार्नोट साइकिल लिखा हुआ है. कार्नोट साइकिल का मतलब जो सीओपी, एक्चुअल सीओपी आएगी वो किसके इक्वल आएगी, मैक्सिमम सीओपी के लिए. तो सीओपी मैक्स की वैल्यू क्या लिखते हैं हम, टीएच डिवाइड बाय टीएच, सॉरी रेफ्रिजरेटर है तो टीएल आएगा, टीएच माइनस टीएल. लोअर टेम्परेचर कितना, माइनस फाइव, माइनस फाइव का मतलब 268. मैं लिख देता हूँ टीएल की वैल्यू माइनस फाइव डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि 273 ऐड करेंगे तो 268 केल्विन हो जाएगा. और टीएच की वैल्यू कितनी है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यानी कि 30 कितना हो जाएगा ये 8 केल्विन. 308 माइनस 268 ये वैल्यू जो आएगी निकल के आपकी, मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ कितनी आ रही है ये. हाँ ये वैल्यू आ रही है 6.7. ये आई आपके पास मैक्सिमम सीओपी. और एक्चुअल सीओपी का फॉर्मूला क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट या आरसी बाय पी इनपुट का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम. और ये जो वैल्यू दी हुई है ये एक्चुअल में आरसी दी हुई है. आरसी कितनी दी हुई है, 2.5 किलो जूल पर सेकंड. तो ये कार्नोट है, कार्नोट साइकिल है, तो हम लिख सकते हैं सीओपी मैक्स इक्वल टू सीओपी एक्चुअल. तो दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं, मैक्सिमम सीओपी कितनी आई है 6.7 और एक्चुअल सीओपी आरसी, आरसी की जगह 2.5 डिवाइड बाय पी इनपुट. तो यहां से पी इनपुट की वैल्यू आ जाएगी 2.5 डिवाइड बाय 6.7, यानी कि यह आएगी 0.37313 किलोवाट. लेकिन देखो वाट में पूछा है, किसमें पूछा है, वाट में. पावर किसमें पूछा, वाट में. तो ये याद रखना है आपको, जहां जो भी पूछा है ये किलोवाट में आई है. तो वाट में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 373.13 वाट. इजी है, यूनिट्स का ध्यान रखना है किस यूनिट में आंसर पूछा गया है, क्या यूनिट है आपके पास. देखो किलो जूल पर सेकंड में दिया हुआ है, किलो जूल पर सेकंड का मतलब ये क्या है, किलो वाट है. किलो जूल पर सेकंड का मतलब किलो वाट है, तो आंसर आपका किलो वाट में आएगा यहाँ पे. तो किलो वाट को फिर हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, वाट में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, तो ये हुआ आपका, इजी है, कुछ नहीं है. अगर रिवर्स दिया हुआ है तो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम सीओपी और एक्चुअल सीओपी क्या आएगी, इक्वल आएगी. तो हमने ये भी देख लिया यहाँ पे. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन दिया हुआ है, ए हीट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 70% इज यूज टू ड्राइव ए रेफ्रिजरेटर Having COP of 5. ये कह रहा है कि हीट इंजन है जिसकी 70% एफिशिएंसी है, वो किसको ड्राइव कर रहा है, रेफ्रिजरेटर को, जिसकी COP कितनी है, 5 है. सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं. ठीक है, मान लिया हीट इंजन है, उसमें से जो, इसका कहने का मतलब ये है कि हीट इंजन से जो वर्क मिल रहा है वो वर्क हम किसको दे रहे हैं, रेफ्रिजरेटर को दे रहे हैं डायरेक्टली, जिसकी सीओपी कितनी है, 5 है. ठीक है, उसके बाद कह रहा है एनर्जी एब्जॉर्ब बाय रेफ्रिजरेटर फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर फॉर ईच किलो जूल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम हाई टेम्परेचर सोर्स बाय इंजन. ये कह रहा है कि देखो यहां से इसको क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को पूरी पढ़ोगे, ये क्वेश्चन में एक्चुअल में ये पूछ रहा है एनर्जी एब्जॉर्ब बाय रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर जो लो टेम्परेचर सोर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो पूछ रहा है फॉर ईच किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम हाई टेम्परेचर सोर्स इंजन. यहां तक देखो
फॉर ईच किलो जूल ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब फ्रॉम हाई टेम्परेचर सोर्स बाय इंजन. किसके लिए? हर एक ईच किलो जूल एनर्जी अब्सॉर्ब जो कर रहा है आपका हाई टेम्परेचर सोर्स से इंजन. इंजन क्या कह रहा है? इंजन 1 किलो जूल ले रहा है कहां से? हाई टेम्परेचर सोर्स से. उसके लिए आपको निकालनी है एनर्जी अब्सॉर्ब बाय रेफ्रिजरेटर. तो इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा और डायग्राम बना लेते हैं. ये सोर्स, सपोज करो ये हीट इंजन है और यहां पर है सिंक. Q1 हीट ले रहा है और Q2 रिजेक्ट कर रहा है. सपोज करो यहां से W वर्क जो निकला, यही W वर्क किसको दे दिया? रेफ्रिजरेटर को दे दिया. और रेफ्रिजरेटर ने Q3 यहां से उठाई, कहां से? स्टोरेज से. और कहां पर पहुंचा दी? एनवायरनमेंट में उसने रिजेक्ट कर दी Q4. एक्चुअल में ये लोअर टेम्परेचर होता है इस केस में, ये हायर होता है इस केस में. ये वाला हायर और ये लोअर, तो ये टेम्परेचर होता है आपके. ये लोअर टेम्परेचर होता है, ये भी लोअर टेम्परेचर होता है, ये हायर टेम्परेचर होता है और यहाँ पर भी हायर टेम्परेचर होता है. ठीक है, सिंपल. अब ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन फिर से देखते हैं कि पहले हीट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी 70%, नेटा ऑफ हीट इंजन कितनी है? 0.7 लिख लेते हैं. और उसके बाद जो रेफ्रिजरेटर है R है, इज यूज टू ड्राइव ए रेफ्रिजरेटर ऑफ हैविंग COP 5. इस रेफ्रिजरेटर की COP कितनी है? 5 है. हीट इंजन की एफिशिएंसी दे रखी है, रेफ्रिजरेटर की क्या दे रखी है? COP दे रखी है. ठीक है, यहां तक हमने क्वेश्चन कर लिया ये. और ये हीट इंजन किसको ड्राइव कर रहा है, किसको चला रहा है? रेफ्रिजरेटर को. यानी कि हीट इंजन से जो भी वर्क मिल रहा है वो कहां जा रहा है, कहां यूज हो रहा है? रेफ्रिजरेटर में. उसके बाद कह रहा है एनर्जी एब्जॉर्ब बाय रेफ्रिजरेटर फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर. एक बार इसको यहां से यहां तक इसको भूल जाओ. कह रहा है एनर्जी एब्जॉर्ब बाय रेफ्रिजरेटर फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर इज, यानी कि ये एनर्जी अब्जॉर्ब कहां से कर रहा है? ये यहां से कर रहा है, लो टेम्परेचर सोर्स स्टोरेज में होता है. स्टोरेज से एनर्जी अब्जॉर्ब करता है रेफ्रिजरेटर. यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है. Q3 की वैल्यू क्या होगी? Q3 क्या होता है? यही आपका RE भी होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी होता है. Q3 की वैल्यू क्या होगी? किसके लिए? फॉर ईच किलो जूल. ईच किलो जूल, देखो ये बहुत, ईच किलो जूल, हर एक किलो जूल एनर्जी अब्जॉर्ब फ्रॉम हाई टेम्परेचर सोर्स बाय इंजन. हाई टेम्परेचर कौन सा है? ये वाला. यहां से ये कह रहा है कि 1 किलो जूल, 1 किलो जूल एनर्जी जब एब्जॉर्ब करेगा तो यहां से Q3 की वैल्यू कितनी आएगी, ये है क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है देखो, फिर से बता देता हूं मैं. फॉर ईच किलो जूल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, हर एक 1 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब के लिए, किसके लिए? फ्रॉम हाई टेम्परेचर सोर्स बाय इंजन. इंजन जो है कहां से कर रहा है? हाई टेम्परेचर सोर्स से जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है 1 किलो जूल, उसके लिए जब Q1 की वैल्यू 1 किलो जूल होगी तो Q3 की वैल्यू क्या होगी, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में. तो चलो देखते हैं हीट इंजन की इफिशियंसी. और हीट इंजन की इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो इंजन की इफिशियंसी क्या होती है? आउटपुट क्या होता है? डब्ल्यू. और इनपुट क्या है? Q1, हीट सप्लाइड. Q S लिख सकते हो इसको, हीट सप्लाई क्या हुई है. ठीक है, हीट सप्लाइड बाय डब्ल्यू बाय हीट सप्लाइड. तो यहां से हीट इंजन की इफिशियंसी फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देते हैं 0.7, डब्ल्यू और Q1 की वैल्यू कितनी है? 1. तो यहां से डब्ल्यू की वैल्यू आई 0.7. डब्ल्यू की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ये किस में आएगी? किलो जूल में. ये इसलिए निकाली क्योंकि एक W ही है जो यहां से हमें, तो Q1 Q2 तो मतलब नहीं है, जो W है वही W आपका यहां पे जा रहा है. ठीक है, वर्क डन, जो हीट इंजन ने वर्क किया वही वर्क किसने लिया? रेफ्रिजरेटर ने. ठीक है, तब यहां पे देखते हैं COP. COP क्या होती है? डिजायर्ड इफेक्ट. देखो COP क्या होती है रेफ्रिजरेटर की? डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट. और डिजायर्ड इफेक्ट कौन सा होता है? ये RE.
RE by W इनपुट भी लिख सकते हैं, और RE क्या है Q3 by W, ये है आपके पास COP। अब हमारे पास COP भी पता है कितनी है, 5 है, Q3 हमें निकालनी है, और WW भी पता है कितना है 0.7, यहां से आ गया, क्योंकि जो W हीट इंजन प्रोड्यूस करेगा वही वर्क किस में दिया गया है, रेफ्रिजरेटर में, तो डायरेक्टली यहां पर W की वैल्यू कितनी रख देंगे 0.7, तो Q3 की वैल्यू कितनी आई 3.5, इससे इस 5 × 0.5 करेंगे तो ये आएगी 3.5 किलो जूल आंसर। देखो है कहीं पे, ये रहा 3.5 किलो जूल। इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में या मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हो। मेल आईडी मैंने आपको बताई भी थी पहले भी, और फिर से बता देता हूं मैं, मेल आईडी है mechanicalgurukul1300@gmail.com, ये मेल आईडी है, आप जब भी चाहो यहां पर मेल कर सकते हो, कोई भी आपकी क्वेरीज है कुछ भी है मेल कर सकते हो, ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी आपको वीडियोस प्रोवाइड कराएं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर ख़त्म, और आप अच्छे से तैयारी करो, आई होप कि आप अच्छा रैंक लेके आओगे, एंड ऑल द बेस्ट।